भाई सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए, जब जाके हमारे को तसल्ली होगी भाई ये सच्चाई क्या है इसमें। भाजपा की महिला नेता सोनाली फोगाट के निधन पर अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, परिजनों ने काफी लोगों पर शक जाहिर किया है। अब हाल ही में सोनाली फोगाट के घर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनकी सास और रिश्तेदार सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही शिकायत कर रहे हैं कि सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है और पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही है क्योंकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप भी देखें ये वीडियो। हाँ जी बताओ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इधर किसी पे कोई शक है आपको? शक तो मैंने तो किसी पे नहीं। अच्छा आप थोड़ा उनको पता लग जाए लोगों को, आप क्या लगते हैं सोनाली के, क्या लगते हैं? सास हूँ। आप सोनाली की सास हैं? किस तरह का न्याय चाहिए मैम आपको? क्या क्या न्याय क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? ठीक है ये पढ़ी लिखी हुई नहीं है तो इनको बयान नहीं देना, न्याय हमारे को चाहिए भाई। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए, जब जाके हमारे को तसल्ली होगी भाई ये सच्चाई क्या है इसमें। हमारे को शक लग रहा है, अभी भी पुलिस साथ नहीं दे रही, वहाँ से फोन आया है पुलिस उसको गिरफ्तारी नहीं कर रही, उसके साथ मिली हुई है। सरकार हमारे साथ होती तो अब उसको थाने में कर देती बंद, हमारे को डेथ बॉडी मिल जाती, उसका पोस्टमार्टम ही हो जाता, आज वो घर पे आ जाती शाम तक। अच्छा, दो कह रहे थे ना कि उनको पुलिस ने राउंड अप किया है तो हाँ, वो लड़कों का फोन आया अभी, बोला क्या नाम, वो पुलिस साथ नहीं दे रही है अभी, उसने पुलिस को सेट कर लिया है। वो कौन है, वो क्या नाम है, वो पी ए सुधीर सांगवान, उसने पुलिस को सेट कर लिया वहाँ, तो पुलिस उसका साथ दे रही है। वो कह रही है बोला ऐसे नहीं हो सकता ये, वो कहो हम तो 302 का मनवाएंगे इस पर, हमारे वाले लड़े हुए हैं, बोले बॉडी जब खाएंगे हम इस पर 302 का केस बनेगा, वैसे हम यहाँ से बॉडी भी नहीं लेंगे, हमारे को इंसाफ चाहिए है जी, हमारे को कुछ मतलब नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी हो, नार्को टेस्ट हो और सरकार ने हमारा साथ देना चाहिए। इतने साल बीजेपी में रही है, कार्यकर्ता रही है बीजेपी के लिए, अपना घर छोड़ के काम किया है, बच्चों को भी हॉस्टल में छोड़ के बच्चों से भी दूर रही है पार्टी के लिए, कभी कहीं कभी कहीं पार्टी के लिए इतना काम किया है, इतना संघर्ष किया है और घर तक छोड़ दिया था पार्टी के लिए उसने तो, और अभी भी पार्टी का ही काम कर रही है। और उसके पूछ रहे हैं ये दिवेश है कोई टिकट के लिए, उसके कोई दिवेश नहीं पद की, तो उसके लालच ही नहीं है, आज तक तो कोई टेंशन नहीं रही उसके, ना कोई बीमार हुई वो और ना कोई गलत खाना खाया। वो एक टिकटॉक कलाकार थी और वो हीरोइन थी, एक मॉडलर थी, मॉडल खाना वैसे ही खाता है, उसके बुखार तक नहीं चढ़ी आज तक, हार्ट अटैक कैसे होगा उसके, सेहत पे तो इतना ध्यान रखती थी वो, आज तक एक गोली खा के नहीं देखी उसने। और ये ज़रूर है उसका फ़ोन आया था अपनी सिस्टर के पास, भाई मेरे को आज रात को खाने में कुछ दिया गया है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। फोन किन के पास आया था? ये इनके पास आया था, इनकी सिस्टर के पास। एक मिनट।